इसीलिए कहता हूँ आप लोगों से कि नेताओं के भाषण कम सुना करिएगा, वो सिर्फ आपके साथ मजाक करते हैं। न्यूज़पेपर कम से कम एक फॉलो कर लिया करिएगा। आजकल तो आप लोगों के पास सुविधा भी हो चुकी है कि आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर को। कुछ काम की बातें रहती हैं, देख लीजिए, ऐसी छोटी छोटी है मगर मोटी बात है कि अगर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है, किसी को कोरोना हो गया है, आप देख रहे हैं किसी आपके परिवार में हो या और भी आसपास, और उससे आपको मिलने जाना है, तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए आपको? तो इसमें आप देखेंगे, ये एक डॉक्टर साहब ने बताया है इस आर्टिकल में, कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग होम आइसोलेशन हो रहे हैं, होम क्वारंटीन, आप देख रहे हैं घर में ही क्वारंटीन हो रहे हैं। एक तरह से आप जान रहे हैं कि हॉस्पिटल में ना तो सुविधा मिल पा रही है बेड की, बड़ी सिफारिशें भी आप लोगों को करनी पड़ रही हैं। आप कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, नेता तो है नहीं कि आपके लिए VIP व्यवस्था हो जाए। हम सब तो एक आम नागरिक हैं, और आम नागरिक की क्या स्थिति रहती है दुनिया जानती है। अभी बनारस में हम न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो बनारस में किसी छात्र जो बनारस यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहा था किसी टॉपिक पर, वहीं आपके किसी नेता को वहाँ, दोनों वो कई दिनों से उस हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, उसे बेड की व्यवस्था नहीं की गई, और नेताजी तुरंत गए, नेताजी को तुरंत बेड की व्यवस्था करवा दी गई है, उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उस बच्चे की, वो मतलब उस स्टूडेंट की डेथ हो गई। आप समझ सकते हैं कि पोजीशन की क्या स्थिति बनी हुई है। गरीब आप देख रहे हैं कि किस तरह से पिस रहे हैं, तो कम से कम आप खुद से अपनी सावधानियां बरत सकते हैं। और आपने देखा है कि नेताओं का तो छोड़िए, आप लोगों ने भी, हम लोगों ने भी काफ़ी एक तरह से लापरवाही की है। जब आपने देखा है कि पहली लहर कम होने शुरू हो गए केस, तो उसमें आप लोगों ने मस्ती करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, सब कुछ सेफ्टी सुरक्षा त्याग दी, उसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोग नेताओं ने बुलाया अपनी रैली में, हम लोग मुंह उठा के चल दिए। अब आप मरिए, कितने भी आपके खास नेता हो, कोई भी हो, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो इसमें इन बातों को आप लोग जरूर याद रखिए। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में माइक्रोबायोलॉजी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल के अनुसार, याद रखिए डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कुछ अच्छी बातें कही होंगी, अगर आपके आसपास कोई या आपके घर में कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव है, तो कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, और इससे घर के बाकी सदस्य सुरक्षित भी रहेंगे, ठीक है। और कभी कभी परिस्थिति ऐसी भी बन जाती है, कोई हमारा रिलेटिव अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे मिलना जरूरी होता है, समझ रहे हैं आप लोग। आज ये अलग बात है कि आज देख रहे हैं आप लोग कि अगर कोई किसी की डेथ कर जा रही है, तो लोग उसे छूने से भी मना कर दे रहे हैं, कई तस्वीरें आप लोगों को देखने को भी मिलेंगी। आप देखेंगे इसमें आप लोगों को बात याद रखनी होगी, कोरोना पॉजिटिव सदस्य कप, गिलास या फिर चांदी इत्यादि के बर्तनों को ग्लव्स पहनने के बाद ही पकड़ें। यानी कि मतलब है कि कोरोना पॉजिटिव के लिए अगर कुछ खाने के लिए पीने के लिए देना है, तो जो कप है, गिलास है या चांदी है, उसे आप लोग ग्लव्स, उसने जब खा पी लिया तो उसे ग्लव्स, मतलब हाथ में कुछ सेफ्टी यानी कि ग्लव्स पहन के ही उसे पकड़ें, इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि रोगी द्वारा इस्तेमाल बर्तन को गर्म पानी व साबुन में धोएं और बाकी बर्तनों से अलग ही रखें, और हो सके तो कुछ समय के लिए धूप में भी रख दें, ठीक है। ये भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। उसके बाद आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि संक्रमित के कपड़े वॉशिंग मशीन या फिर अन्य किसी भी तरह से धोते समय घर के अन्य कपड़ों के साथ ना रखें, कुछ दिन के लिए एक तरह से आप समझिए कि उससे दूरी ही बनाए रखें, ठीक है। यानी कि उस ऐसा नहीं कि उसके आप बिल्कुल छोड़ दें उसे अपनी हालत में, उसका ख्याल भी रखें लेकिन अपनी सेफ्टी बनाए रखें। और एक बात और आप लोग याद रख सकते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर को गर्म पानी में 0.5% क्लोरीन मिलाकर 30 मिनट तक छोड़ दें और फिर उसे धोएं, यानी कि ये भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। और दूसरे के कपड़े उपयोग मत करिए, फिर चाहे वो लेटने यानी कि बिस्तर हो आपका और भी कपड़े हों, ठीक है।
संक्रमित के कमरे में ना जाएं। और अब आप कहेंगे कि अगर ना जाएं तो कैसे सामान पहुंचेगा? अगर आपको जाना है, कुछ देना हो, तो मास्क लगाएं और वस्तु को दूर ही रख दें और वापस लौट आएं। इन बातों का आप लोग, और मास्क लगाना कहीं भी बाहर जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो आप लोग मास्क जरूर जरूर लगाएं, हर तरह से सावधानियां बरतें। मैं कहता हूं कि वो नौबत ही ना आए कि हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़े। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में जाना कितना भयानक स्थिति बनी हुई है। उससे पहले ही आप लोग सेफ्टी बनाए रखें तो मुझे लगता है कि ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन विकट परिस्थिति बनी हुई है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि 3,000 के करीब डेथ हो रही, 2,500, 2,700 डेली की, और आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। तो आप जितनी सेफ्टी रख सकते हैं, सुरक्षा रख सकते हैं, रखिए, और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, कम से कम मालूम तो चलता रहे देश दुनिया में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ख्याल रखिए अपना और परिवार का भी।